हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है पहाड़ी अंग्रेज ब्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हमारी वीडियो पर कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और आप तो दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं हूँ PTC में, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो, जहाँ पर अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस आरक्षी बैच के ट्रेनिंग हो रही है। तो दोस्तों, अभी मैं ड्यूटी से वैसे फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी टाइम ऑफ हो चुका है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाए। तो वीडियो का टॉपिक है कि हमारी POP यानी कि पासिंग आउट परेड कब हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जितना कि इंतज़ार हम लोग जो कि यहाँ पर रिक्रूट है हम कर रहे हैं कि हमारी POP कब होगी, उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों के हैं कि इन लोगों की POP कब होगी, कब इनकी पास। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार इस वीडियो पर लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो खासकर, तो हिमाचल पुलिस को एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों, बहुत जल्दी हमारी अब POP होने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारी एग्ज़ाम के लिए, जो कि सेकेंड लेग के एग्ज़ाम होते हैं आउटडोर और इनडोर, क्योंकि हमारी फायरिंग ख़त्म हो गई है। फायरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होते हैं एग्ज़ाम आउटडोर और इनडोर के, जिसके बारे में मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम होने के जैसे ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ही हार्डली 10-12 दिन लगेंगे और उसके बाद हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी तैयारी होगी यहाँ पर पासिंग आउट परेड के लिए होगी, मतलब जो फाइनल POP होगी हमारी उसी के लिए जो कुछ होगा वो। तो मतलब अभी अगर कुल मिला के हम देखें तो 30 से 40 दिन बचे जो कि हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी और हम यहाँ से पास आउट हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक काफ़ी बड़ा बैच यहाँ से निकलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी कि अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, घर जाएंगे, और PTC एक बार फिर से सूना हो जाएगा हम लोगों के जाने से। और डेफिनेटली होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है उसकी वजह से। तो इस ग्राउंड में अब हम थोड़े ही दिन के मेहमान हैं, जब हम लोग आए थे हम उस वक्त भी मेहमान की तरह यहाँ पर ट्रीट किया था, और अब हम जाएंगे तो हम फिर से यहाँ के कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारी POP हो जाएगी पासिंग आउट परेड बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर मौसम इस तरह का रहा तो शायद वो एक्सटेंड भी हो सकती है, क्योंकि बारिश में तो हमारी POP होने से रही, तो मतलब मौसम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर हमारी POP लेट होती है उसके लिए। तो दोस्तों, मतलब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो अगस्त लास्ट और सितंबर के शुरू तक हमारी पासिंग आउट परेड 100% हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ शायद हार्डली ही 20-30 या 40 दिनों के लिए है, तो आखिरी 40 दिन है हमारे यहाँ पर जिनको कि हम मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। जैसे ही आउटडोर और इंडोर के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स लाऊँ, अभी तक का साल का अपना सारा निचोड़ उन ब्लॉग्स में डाल दूँ, क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार रहता है और हमारे लिए भी एक मेमोरी हो जाएगी कि हमने लास्ट टाइम में ब्लॉग्स बनाए थे। और क्योंकि ट्रेनिंग टाइम ही एक जवान को सारी उम्र याद रहता है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम लोग बहुत सारे दोस्त बने, बहुत से लोगों के बीच रहे, तो ये चीज़ें बाद में याद आती है। तो आई विश कि मैं हर चीज़ को कैप्चर कर सकूँ एग्ज़ाम होने के बाद। अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का खास कुछ पढ़ नहीं रखा फ़िलहाल, एग्ज़ाम आएंगे, तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम दे देंगे। सो आई होप दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा कि इनकी ट्रेनिंग कब ख़त्म हो रही है। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड भी बता दिया और कुल मिला के बता ही दिया कि एग्ज़ाम लग चुके हैं हमारे मंडे से, तो
ट्रेनिंग भी अब जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दे, अपना प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में लिख दे, और मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।